गाइस मैं रुकराज और आप देख रहे हैं मेरा एक और नई वीडियो। तो इसके पहली वाली वीडियो में मैंने दिखाया था इसका पूरा कंप्लीट रिव्यू और कंपेयर किया था इसे क्विकली, मतलब बिना गाड़ी को ही खड़ा किया, S5, S7, S9, S11 को और S3 प्लस को भी। तो गाइस मैं अभी इसका ड्राइविंग टेस्ट एक करने वाला हूँ, नॉर्मल चला वाला के देखेंगे क्या इसमें डिफरेंस मिलता है। S3 मैंने चला रखा है, S3 प्लस देख लिया हूँ मैं और S10 जो पुरानी वाली आती थी उसको भी चला लिया हूँ, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है और इसे भी चला ही चुका हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप S3 प्लस देख रहे हैं जो कि नया वेरिएंट महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस किया, अभी S3 को वो डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, S3 प्लस को वो नया इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। S3 प्लस में आपको MHawk इंजन मिलता है और S3 पहले वाले देखते थे आप बेस मॉडल में तो आपका वो M2DI बुलेरो वाला इंजन मिलता था, M2DI CR, लेकिन इसमें S3 प्लस में MHawk इंजन मिलता है, लेकिन वो 120 bhp निकालता है जो कि अपना S10 पहले वाले निकालती थी, और जो अब एस और सीरीज की जो स्कॉर्पियो आ रही है वो 140 bhp निकालती है। तो कन्फ्यूज़ मत होना गाइस, ये ऑड सीरीज़ वाली 140 bhp निकालती है, सारी गाड़ियाँ S3 प्लस के ऊपर यानी कि S5 से ऊपर सारी गाड़ियाँ 140 bhp निकालती हैं, 320 Nm टॉर्क निकालती हैं, लेकिन S3 प्लस 120 bhp ही निकाल पाती है। एंड इससे ऊपर वाला वेरिएंट अगर आप लेते हैं, ये है स्कॉर्पियो S7, तो आपको क्रूज़ कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल, पूरा ब्लू लाइट वाला सिस्टम विथ गियर इंडिकेटर, यहाँ पे अपना ऑडियो सिस्टम, इन्फोटेनमेंट, टच स्क्रीन विथ एप्पल कार प्ले और ऑटो कनेक्टिविटी के साथ, एंड चार स्पीकर जिसमें दो याद हैं। तो चलिए इसमें चला वाला के देखते हैं क्या इसका रहने वाला है हिसाब किताब, एंड यहाँ पे आपको स्टार्टर स्टॉप वाला भी सिस्टम देखने को मिल जाता है, वो कैसे काम करता है वो सारा चीज़ देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक नंबर लगाते हैं अपना और इंस्टेंट देखते हैं गाड़ी कैसी उठती है। अभी रोड थोड़ा सा खाली, पहले थोड़ा पीछे ले लेते हैं, पीछे अपना थोड़ा सा स्पेस है, पीछे ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं थोड़ा बहुत आपको पिकअप वगैरह दिखाते हैं। गाइस देखो, पावरफुल इंजन होने से सिर्फ नहीं होता है, इंजन पावरफुल है तो बॉडी भी तो मजबूत है, बॉडी भी तो भारी है, गाड़ी भी भारी है। एंड हाँ, आप चलाते हैं इसे ना तो अपना स्टेयरिंग व्हील हाइड्रोलिक है तो थोड़ा भारी भारी आपको लगेगा, एंड पीछे कुछ नहीं है तो अभी लेके चलते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं ऑटो आगे। तो देखो रिवर्स पार्किंग सेंसर प्रॉपरली काम कर रहा है, बता दिए भाई पीछे ऑटो है। तो अभी लगाते हैं एक नंबर, गाड़ी भारी है, एग्जैक्ट कितना इसका वेट है, एग्जैक्ट कितने के जी की गाड़ी है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं बता दूंगा। अभी डालते हैं फर्स्ट गियर, 6 गियर तक आता है, गाड़ी चला वाला के थोड़ा सस्पेंशन वगैरह भी देख लेंगे, बाउंसी सस्पेंशन आता है, लेकिन चलिए। तो अभी आइडल देखते हैं गाइस, 3000 तक की गाड़ी खड़ी होती है आइडल, एंड एक झटका सा लगता है छोड़ने पर, तो अभी नई नई गाड़ी है, झटका नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे उठाएंगे। जैसा कि आप देखो 2000 के बाद गाइस गाड़ी उड़ती है, और अगर आप झटके से छोड़ते हैं अपना गियर चेंज करके तो गाड़ी थोड़ी बहुत उठती भी है। एंड गाइस पिकअप बहुत ज़बरदस्त है, गाड़ी हैवी है तो क्या हो गया, लेकिन पिकअप एक नंबर है गाइस। M2DI वाला हमने गाड़ी चला रखा है, एंड एक हमारे साथ क्रेटा ओनर भी हैं और एक स्कॉर्पियो ओनर भी है जो कि M2DI इंजन वाला स्कॉर्पियो ओन करते हैं यानी कि S2, उनसे पूछेंगे पिकअप कैसा लगा, थोड़ा बहुत झटका सा लगा, एंड जो इस गाड़ी की देखभाल करते वो भी भैया साथ में हैं। तो गाइस एक नंबर गाड़ी भागती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना। एंड इसकी एक सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आप महिंद्रा के ही किसी गाड़ी से देखते हैं यानी कि, और अगर आप इसकी कंपटीटर से देखते हैं, पहली जो पुरानी स्टॉर्म आती थी अपनी, इसका टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा घूम जाती है आराम से, छोटे जगह में भी आप इसे घुमाना चाहते हैं। बोलेरो का टर्निंग रेडियस यार बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपको अगर कहीं पर रिवर्स करना है गाड़ी को यानी घुमाना है तो आपको बहुत मतलब आगे पीछे करके घुमाना पड़ता है, एक बार में बहुत ज़्यादा चक्का जो है वो नहीं कटता है। एंड पावरफुल इंजन होने का और ज़्यादा टॉर्क होने का फ़ायदा क्या होता है गाइस, आप देखो ऐसे रास्ते पे भी मैं अगर दूसरे नंबर पे छोड़ दिया हूँ तो गाड़ी झटके नहीं मार रही है, अपना आराम से क्रॉलिंग फीचर इसमें आता है। देखो दो नंबर में गाड़ी है, पैर अगर आप देखते हैं तो दोनों पैर मेरा हटा हुआ है, लेकिन गाड़ी अपना चढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि झटका मार के बंद हो जाएगी, चढ़ते रहेगी। ये अपना थार में भी है, इसमें भी है, तो हाई टॉर्क होने का ये एक फीचर होता है, मतलब फ़ायदा होता है। और अगर आप इस पर थर्ड गियर पे भी अगर आप उठाते हैं थोड़ा सा एक्सल लेके और गियर सॉरी मतलब ब्रेकर वगैरह पे अगर आप गाड़ी को रखते हैं तो गाड़ी आराम से उठ जाती है। एंड अब देखो ये क्रॉलिंग फीचर सबसे बेस्ट लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा भी चढ़ाई कितना भी हो आराम से अपना आप चढ़ाते रहो। एंड अभी हम चार बंदे इसमें बैठे हुए हैं, अभी देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चला वाला के देखेंगे टॉप स्पीड। गाइस मैंने जो ये वाला इंजन है इसमें 140-145 के करीब करीब टच करा रखा है, तो स्टेबल तो गाड़ी नहीं रह पाती है क्योंकि आपको पता है बाउंसी नेचर है स्कॉर्पियो का, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा अपनी जो है अपनी लहरती बहुत ज़्यादा है उतने स्पीड्स पे। एंड गाइस हाँ, लीनियर इसमें पिकअप आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसका जो टर्बो है 1800-1900 RPM के बाद स्टार्ट होता है, तो उससे नीचे आपको गाड़ी एवरेज देगी, और उसके बाद अचानक से आपको एक थ्रो देखने को मिलता है जिससे कि आप पीछे की तरफ पुश हो जाएंगे और गाड़ी आगे से थोड़ा सा उठती हुई भी आपको फील होगी जब भी आप चलाएंगे तो। एंड देखो गाइस स्पीड हो गई अपनी 20, गियर है थर्ड,
और अभी देखते हैं, अब तो यार पूरे रुक गए, लेकिन सेकंड गियर में देखो, सेकंड गियर में गाड़ी है पूरी खड़ी है आइडल, आराम से उठाओ गाड़ी आराम से उठ जाएगी, बंद नहीं होगी। ये फ़ायदा होता है अपने डीजल इंजन का, और हाई टॉर्क इंजन का तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा है। आप देखो थर्ड गियर, फोर्थ गियर, अपनी गाड़ी झटका फोर्थ गियर तक भी 40 की स्पीड के नीचे नहीं मारेगी, लेकिन सस्पेंशन वगैरह सही है, आपको झटके फील नहीं होंगे, लेकिन बाउंसी बहुत ज़्यादा सस्पेंशन है, यानी गाड़ी कूदती बहुत ज़्यादा है और ऐसे से लहरती तो बहुत ज़्यादा है जब भी आप हायर स्पीड्स पे चलाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग वगैरह जो दिया हुआ है, इसका आपको फ़ायदा मिल जाता है कि गाड़ी आपको मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी चलाने में, आपको डर वगैरह नहीं लगेगा, यानी कि ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस है तो। यहीं अगर आप पावर स्टीयरिंग चलाते तो आपको थोड़ा सा डर लगता है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही, क्योंकि इसमें बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है गाड़ी में अगर आप हायर स्पीड्स पे देखते हैं तो। एंड देखो थोड़ा सा अपना ब्रेकर पार हुआ, गाड़ी अपनी थोड़ी सी ज़्यादा ही वो करने लगती है, यानी कि शेक होने लगती है, फिर ब्रेक लेने पे आगे की तरफ दबने लगती है। ये चीज़ है स्कॉर्पियो में, ये सारी चीज़ जो कि बेकार लगती है। बाकी स्कॉर्पियो की यही खासियत भी है जिसकी वजह से ये बिकती है, जो झूले मारती है ना, ये बहुत लोगों को पसंद आता है इसका झूला। तो ये था गाइस इंजन का परफॉर्मेंस। हम मेरे से पूछेंगे मेरा क्या रिस्पॉन्स है, तो भाई एक नंबर है परफॉर्मेंस इंजन का, झटका मस्त लेती गाड़ी, यानी कि 2000 के बाद मस्त फेंक देती है गाड़ी। और मैं कब से एक हाथ से ही चला रहा हूँ, तो अभी थोड़ा बहुत मैं पीछे दूंगा कैमरा, और उनको पूछते हैं अभी पीछे यार क्या इन लोगों का है। भैया आप बताओ यार कैसा लगा? अच्छा लगा। मतलब भैया नॉर्मली चलाते हैं इसको रोज, लेकिन कुदाते उदाते उतना ज़्यादा नहीं, गाड़ी एकदम नई है, अभी 10-15 दिन पुरानी हो ही रही होगी। एंड ये अपना पीछे एक पड़ा स्कॉर्पियो S2 वाला ओनर, इसको आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा होगा, तो इसके पास है स्कॉर्पियो S2 जिसका मैंने ब्रेक टेस्ट किया था। तो गाइस ये भी बताएगा यार कैसी भाग रही है, इसकी गाड़ी तो कम पावर निकालती है, बुलेरो वाला M2DICR इंजन है, लेकिन उसको भी हम लोग 135-140 तक भगा चुके हैं। एंड इधर है अपना क्रेटा पेट्रोल वाले का ओनर, तो इसे ही पूछेंगे, इसने तो क्रेटा पेट्रोल चलाया है, तो उसमें क्या इसका रहता है पूछते हैं अभी। कैसा लगा भाई बताओ? जबरदस्त, क्या बढ़िया लगा इसमें। अरे इसका पावर तो गजब यार, झटका बहुत ज़्यादा मारती है गाड़ी, अगर आप रोक भी रहे ना थोड़ा सा ऐसे ब्रेक लेंगे पूरी गाड़ी ऐसे हिल जाएगी। एंड ये जो झूले मारती है ना, ये मतलब लोफड़ों की गाड़ी, बदमाशों की गाड़ी से कहा जाता है, तो इसीलिए ये बदमाशों की गाड़ी लगती है, बहुत ज़्यादा झूले मारती है। एंड इसकी गाड़ी थोड़ी कम पावर निकालती है, लेकिन फिर भी उसमें झूला और भी ज़्यादा गाड़ी मारती है, क्योंकि उसके जो सस्पेंशन है ना, उसके चक्के छोटे हैं और इसके चक्के बड़े हैं, उसमें बुलेरो वाले साइज़ का चक्का आता है, तो वो भी लाएंगे किसी दिन, कंपेयर करेंगे इससे और देखेंगे थोड़ा उसको भी भगा भगा के जल्दी उसका भी वीडियो बनाएंगे। और इन भाई साहब का तो क्रेटा है गाइस, तो कंग्रेचुलेशन भाई, भाई अभी नया नया क्रेटा लिए हैं पेट्रोल EX वेरिएंट, वो भी निकाल दी 115 BHP। भाई फाइल यहाँ से जो है करप्ट हो चुकी है, तो इसके बाद जो वीडियो वो चल नहीं रही है, थोड़ी बहुत और भी मैंने बातचीत की थी, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को यहीं पेंड कर देते हैं, थैंक यू सो मच।